नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चेक बॉक्सेस, ठीक है। मैंने आप लोगों को लिजनर्स बताए थे, एक होता है एक्शन लिजनर, आइटम लिजनर, माउस लिजनर, माउस मोशन लिजनर, विंडोज लिजनर, अलग अलग टाइप के लिजनर्स होते हैं। तो हम लोग इसके पहले वाले प्रोग्राम में एक्शन लिजनर देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग आइटम लिजनर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास बनाया है चेकबॉक्स डेमो नाम का। जैसे HTML में चेक बॉक्सेस होते हैं, और वैसे ही अगर मुझे जावा में क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप लोगों को चेक बॉक्स नाम का क्लास लेना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक क्लास बनाया चेक बॉक्स डेमो, जिसने एक्सटेंड किया है एप्लेट को, उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है आइटम लिजनर्स को, ठीक है। आइटम लिजनर्स को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एक स्ट्रिंग लिया है, ब्लैंक स्ट्रिंग है। ये आइटम लिजनर क्यों लिया ये मैं बताती हूँ, ठीक है। एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग ब्लैंक लिया है, चेकबॉक्स नाम का प्रीडिफाइंड क्लास है, उसमें मुझे तीन चेक बॉक्सेस चाहिए, तो मैंने चार चेक बॉक्सेस चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। चार चेक बॉक्स तो चार ऑब्जेक्ट उसके। फिर इनिट मेथड बताया था मैंने, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके कंस्ट्रक्टर भी बनाने पड़ेंगे। तो चेकबॉक्स के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे लिखा है विंडोज 98 XP, ये जो लिखा है नल और ट्रू, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका एक चेकबॉक्स सिलेक्टेड रहेगा। चेकबॉक्स मतलब क्या होता है, एट ए टाइम आप लोग मल्टीपल डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट आपके चेकबॉक्स में ये सिलेक्टेड रहेगा। फिर मुझे सेकेंड चेकबॉक्स चाहिए, तो सेकेंड चेकबॉक्स ले लिया, थर्ड चेकबॉक्स एंड अ फोर्थ चेकबॉक्स। सारे चेकबॉक्स को नाम रख दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में जो लिखा रहता है वही वहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद चेकबॉक्स तो ले लिए, अब हम लोगों को सारे चेकबॉक्स को ऐड भी करना पड़ेगा एप्लेट विंडो के ऊपर। तो यहाँ पे एप्लेट विंडो के ऊपर हम लोगों ने सारे चेकबॉक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसके पहले बटन के ऊपर एक्शन लिजनर लगाया था, तब हम लोगों ने बटन को ऐड किया था एक्शन लिजनर। वैसे ही जब हम लोग आइटम लिजनर लगाते हैं, इंटरफेस हम लोग आइटम लिजनर जब लगाते हैं, उसको भी हम लोगों को कंपोनेंट के ऊपर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट चार है, तो चारों कंपोनेंट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे आइटम लिजनर को ऐड कर दिया, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट्स है विंडोज, ये जितने चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे चारों कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोगों ने आइटम लिजनर को ऐड कर दिया। जैसे एक्शन लिजनर होता है तो एक्शन परफॉर्म नाम की मेथड होती है, एक्शन लिजनर है तो एक्शन परफॉर्म नाम की मेथड होती है। वैसे ही आइटम लिजनर होता है तो आइटम स्टेट चेंज नाम की मेथड होती है। लिसन, अच्छे से सुनो, जब एक्शन लिजनर होता है तो एक्शन परफॉर्म्ड नाम की मेथड होती है, वही आइटम लिजनर होता है तो आइटम स्टेट चेंज नाम की मेथड होती है। ये अगर आपने ध्यान में रखा तो सारी मेथड आपको ध्यान में रहेगी, ठीक है। एक्शन लिजनर है तो एक्शन परफॉर्म्ड होगी, आइटम लिजनर है तो आइटम स्टेट चेंज मेथड होगी, और जब एक्शन लिजनर होता है तो एक्शन इवेंट होता है, ये क्लास यहाँ पे, और वही आइटम लिजनर है तो क्या रहेगा, आइटम इवेंट नाम का क्लास रहेगा। अब यहाँ पे आइटम स्टेट चेंज में रिपेंट वाली मेथड को कॉल किया है, ठीक है, रिपेंट वाली मेथड को यहाँ पे कॉल किया। अब देखो, पेंट लिखा है, पेंट मतलब मुझे एप्लेट के ऊपर कुछ लिखना है, क्या लिखना है, मैसेज एक लिया था हम लोगों ने, उसमें लिखा है करंट स्टेट, ये प्रिंट होगा। अब उसको मुझे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ स्ट्रिंग नाम की मेथड है, यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग नाम की मेथड ली, क्या प्रिंट करना है, जो यहाँ पे मैसेज लिखा है वो प्रिंट करना है। कहाँ पे प्रिंट करना है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से ऐसा और वाई एक्सिस से ऐसा, वो यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ेगा और यहाँ पे लिख के आएगा करंट स्टेट, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसा लिख के आएगा। सेकेंड यहाँ पे क्या लिखा है, मैसेज, मैसेज में मैंने विंडोज 98 XP लिखा है। अब ये लिखने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, विन 98, ये उस चेकबॉक्स का ऑब्जेक्ट है। गेट स्टेट, गेट स्टेट क्या करेगा, उसको टिक करेगा, अगर टिक किया होगा तो वहाँ पे प्रिंट करेगा, नहीं किया होगा तो वहाँ पे टिक नहीं आएगा, तो ये गेट स्टेट उसी के लिए काम में आ रहा है। अब
ये जो भी मैसेज रहेगा उसको भी मुझे प्रिंट करना है. तो यहाँ पर फिर से ड्रॉ स्ट्रिंग नाम की मेथड ली है. उसको कैसा लिया है, एक्स एक्सिस तो उसकी 6 ली है, बट ऊपर से कितना लिखा है 100, मतलब इसके नीचे में ये प्रिंट होगा. ठीक है, फिर से नेक्स्ट वाला विंडो एंटी 2000, फिर उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका गेट स्टेट चेंज करेगा वो, और उसको ड्रॉ स्ट्रिंग से 6 मतलब ऐसा, और ऊपर से कितना दिया है 120, मतलब उसके नीचे प्रिंट होगा. ठीक है, फिर सोलराइज को ऑब्जेक्ट बनाया था, गेट स्टेट चेंज किया, फिर से उसको प्रिंट किया 6 एक्स एक्सिस और 140, मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे. ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ वाला जो है मैक ओएस, इसको लिया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके गेट स्टेट चेंज किया और मैसेज को प्रिंट करके 160 से मतलब नीचे में उसको शिफ्ट किया. ये जब हम लोग कर रहे तो बार बार पोजीशन क्या कर रहे, चेंज कर रहे, मतलब कोई चेक बॉक्स सिलेक्ट कर रहे, कोई नहीं कर रहे, बार बार कर रहे वो चेंजेस. तो गेट स्टेट क्या करेगा, अगर आपने टिक किया होगा तो ठीक है, फिर से आपने उसको अनटिक किया होगा तो ये गेट स्टेट आइटम चेंज वाली मेथड में जाता है और वहां से क्या करता है, रिपेंड करवाता है. मतलब पहले टिक किया, फिर नहीं किया, फिर से किया, फिर से नहीं किया, तो बार बार पेंट एंड रिपेंट ये मेथड साइमल्टेनियसली कॉलिंग होती रहती है. ठीक है, इसको रन करके बताती हूँ तो समझ में आ जाएगा. ये देखो, अब इसको मैंने टिक किया है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या लिखा है, विंडोज 98 एक्सपी ट्रू लिखा है. फिर मैंने इसको टिक किया तो यहाँ पे ट्रू आया, बाय डिफॉल्ट क्या है, दोनों पे फॉल्स है. फिर से इसको टिक किया, यहाँ पे फिर से ट्रू आया, बाय डिफॉल्ट एक फॉल्स है. फिर से इसको किया तो ट्रू आया. अब देखो, अब ये हर जगह क्या आया है, टिक किया इसलिए ट्रू आया है, बट वही अगर मैं चेंज करती, पहले का मैं हटा देती हूँ तो क्या आया, यहाँ पे फॉल्स आया, मतलब पहले पेंट ने रिपेंट को कॉल किया. फिर से यहाँ पे चेक करूंगी, पेंट ने रिपेंट को कॉल किया. फिर से यहाँ पे अनचेक कर रही हूँ, पेंट ने रिपेंट को कॉल किया. ठीक है, तो इस तरीके से वो जो पेंट और रिपेंट मेथड कॉल हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है. क्लियर है सबको, यस और नो? और एक बात, मैंने जो पोजीशन सेट की है वो आप लोग मुझे बताओ किसकी पोजीशन सेट की है. यहाँ पे जो मैंने पोजीशन सेट की थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो किसकी सेट की थी, बोलो, चेकबॉक्स? नहीं, हम लोगों ने ये मैसेज की पोजीशन को सेट किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, उसके जो स्टेटस आ रहे हैं उसकी पोजीशन को सेट किया था. ये देखो कहा, ये ठीक है, इसके पोजीशन को सेट किया था, ये जो दिख रहा है. हम लोगों ने चेकबॉक्स को सेट नहीं किया, तो मुझे बताओ चेकबॉक्स को सेट नहीं किया तो ये कैसे क्या आ रहा है. ये देखो, ऐसा कुछ तो दिख रहा है, ये देखो, बता चेकबॉक्स कैसे क्या आ रहा है. जो चेकबॉक्स है उसका लेआउट प्रोग्राम में कहीं पे सेट किया है क्या, ये देखो, चेकबॉक्स में, चेकबॉक्स के लेआउट को हम लोगों ने प्रोग्राम में कहीं पे भी सेट नहीं किया है. मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये सारे जो चेकबॉक्स है वो फ्लो लेआउट में है. देखो, अगर चेकबॉक्स का लेआउट सेट होता तो ये सारे चेकबॉक्स जैसा लिखा है वैसे अरेंज होते, बट जैसे मैं स्क्रीन को मिनिमाइज कर रही हूँ तो देखो कुछ चेकबॉक्सेस नीचे आ रहे हैं. ठीक है, और अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ तो चेकबॉक्स एक लाइन में आ रहे हैं. मतलब कि क्या हो गया कि इस सारे चेकबॉक्स का लेआउट सेट नहीं है. लेआउट अगर सेट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट होता है, फ्लो लेआउट. ठीक है, इसलिए ये फ्लो के तरीके से जा रहे हैं. बट वही अगर इस चेकबॉक्स का लेआउट हम लोगों ने सेट किया होता तो हमको सेट बाउंड वाली मेथड लेनी पड़ती, जिससे हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेट एंड हाइट ये लिखा होता. ठीक है, अब समझा?
कर सकते हो आप लोग वो. ओके क्लियर? ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया जिसमें आप लोगों को चेकबॉक्स समझ में आया होगा. नेक्स्ट, अब देखो चेकबॉक्स का और एक पार्ट क्या होता है, मतलब अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो हम लोग चेकबॉक्स लेते हैं, बट मुझे एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोलो. रेडियो, करेक्ट. क्या यूज करते हैं हम लोग? रेडियो बटन यूज करते हैं. बट जावा में रेडियो बटन नहीं होता है, जावा में चॉइस होता है. चॉइस, ठीक है, चॉइस होगा. तो वो चॉइस के थ्रू आप क्या करोगे, रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हो. एक सेकेंड, चेकबॉक्स ग्रुप भी एक होता है. बराबर, चॉइस नहीं, चेकबॉक्स ग्रुप होता है. कहाँ है चेकबॉक्स ग्रुप? हाँ ये चेकबॉक्स ग्रुप होता है, सॉरी यार, चॉइस नहीं होता है, चेकबॉक्स ग्रुप होता है. ठीक है, रेडियो बटन के रिप्लेसमेंट में चेकबॉक्स ग्रुप होगा, क्योंकि रेडियो बटन नाम का कोई यहाँ पे क्लास नहीं होता है. बट अगर आपको रेडियो बटन क्रिएट करना है तो आपको चेकबॉक्स ही लेना पड़ेगा और उस चेकबॉक्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा. आप लोग जानते हो कि अगर ग्रुप बनाया उसमें से एट अ टाइम एक सिलेक्ट होता है, ठीक है, तो दैट इज रेडियो बटन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो सेम कंसेप्ट है, एक क्लास बनाया है सीवी ग्रुप नाम का, जिसमें आइटम डिजनर लगा दिया क्योंकि हम लोग कंपोनेंट के ऊपर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं. मैसेज ले लिया ब्लैंक, चेकबॉक्स तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि चेकबॉक्स का ही ग्रुप बनेगा. चेकबॉक्स चार ले लिए, पहला जैसा लिया था. चेकबॉक्स का ग्रुप नाम का एक क्लास होता है जिससे ग्रुप क्रिएट होता है, तो सीबीजी नाम का एक ग्रुप ऑब्जेक्ट बना लिया, उस सीबीजी को कंस्ट्रक्टर भी दे दिया, हो गया इतना. अब उसके बाद चेकबॉक्स लिए. अब आप लोग देखो पहला वाला जब हम लोगों ने चेकबॉक्स देखा था, ये नोटिस करो, ये चेकबॉक्स के कंस्ट्रक्टर में पहले इसमें तीन आर्गुमेंट थे, बाकी इसमें एक एक ही आर्गुमेंट है. ठीक है, बट पहले इसमें जो तीन आर्गुमेंट थे तो ये फर्स्ट वाला क्या था, नल था, और एक ट्रू मतलब बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्टेड होता है. ठीक है, वही चेकबॉक्स के ग्रुप में हर इसमें तीन तीन आर्गुमेंट्स है. पहला मतलब कि वो लिखा हुआ रहता है वो. सेकेंड वाला जो नल रहता है उसकी जगह पे क्या कर दिया, सीबीजी डाल दिया, सीबीजी सीबीजी सीबीजी. और थर्ड वाला पहले को सिलेक्टेड रखा, बाकी सबको क्या रखा, फॉल्स रखा. तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने चेकबॉक्स तो क्रिएट कर लिए, पहले वाले को ट्रू कर दिया, बाकी सबको फॉल्स कर दिया. बट ये जो सीबीजी मतलब क्या करेगा, जो चेकबॉक्स हम लोगों ने इंडिविजुअल लिए है उसका हम लोगों ने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, किसके थ्रू, सीबीजी को ऐड करके थ्रू, बिकॉज सीबीजी इज ऑब्जेक्ट ऑफ चेकबॉक्स ग्रुप. समझा? चेकबॉक्स ग्रुप समझा, जिससे रेडियो बटन क्रिएट होगा. क्लियर है क्या? ठीक है, अब चेकबॉक्स का ग्रुप तो बन गया, सारे चेकबॉक्स को एप्लेट पेपर ऐड भी करना है, ये भी कर लिया. सारे चेकबॉक्स को आइटम लिस्नर लगाना है, ये भी कर दिया. आइटम लिस्नर है तो आइटम स्टेट चेंज रहता है, उसमें रिपेंट वाली मेथड कॉल होती है, ये भी हो गया. अब पेंट वाली मेथड, तो ये जो पेंट वाली मेथड है इसमें क्या लिखा है, करंट स्टेटस, ये प्रिंट भी हो जाएगा. फिर से सेकेंड वाला जो मैसेज है इसमें गेट स्टेट चेंज किया और उसको भी प्रिंट किया. सेम थर्ड वाला, उसको भी प्रिंट किया. फोर्थ वाला, उसको भी प्रिंट किया. मतलब सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, ये प्रिंट होने के बाद इसमें एक एडिशनल दिया है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है करंट सिलेक्शन. ठीक है, इसको रन करके बता देती हूँ तो और समझ में आ जाएगा. ये देखो, ये है रेडियो बटन, इसका जो लेआउट है वो फ्लो लेआउट है, इसलिए देखो वो जो रेडियो बटन आए हैं वो कुछ इस तरीके से आए अभी. ठीक है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला सिलेक्टेड था, बाकी सारे नहीं थे.
ठीक है, तो यहाँ पे करंट स्टेट ये वाला तो हम लोग देख चुके हैं, ये एक मिनट है। हाँ बाय डिफॉल्ट पहला वाला सिलेक्टेड है तो वो तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? यस सर नो? तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला सिलेक्टेड है, दैट इज ट्रू। सेकेंड थर्ड फोर्थ को हम लोगों ने फॉल्स रखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करती हूँ तो एक ही सिलेक्टेड बताएगा, बाकी तीन क्या बताएंगे? फॉल्स। फिर ये सिलेक्ट करती हूँ, एक ही सिलेक्टेड बताएगा, बाकी सारे फॉल्स बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, चेंज हो रहा है। और ये जो करंट सिलेक्शन है कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, तो वो बताने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट कुछ लिखा है। तो करंट सिलेक्शन फिलहाल बाय डिफॉल्ट क्या रखा है हम लोगों ने? सोलराइज, उसका ही ट्रू है, बाकी सबके क्या है? फॉल्स है। तो ये जो कोड लिखा है वो उसी के लिए लिखा है, मतलब ये करंट सिलेक्शन चेकबॉक्स सी सी नाम का जो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, सी बी जी मतलब ग्रुप में से आप क्या सिलेक्ट करते हो, सी बी जी के ग्रुप में से आप गेट सिलेक्टेड चेकबॉक्स, कौन सा चेकबॉक्स सिलेक्ट करते हो, वो किस में जाएगा? सी सी में जाएगा, ठीक है। सी बी जी मतलब ग्रुप, ग्रुप से आप लोग कौन सा चेकबॉक्स सिलेक्ट करोगे वो सी सी में जाएगा। सी सी को गेट लेबल मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो गेट लेबल एक मैसेज में लाएगा, और मैसेज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या करेगा? प्रिंट करवाएगा। क्लियर? समझा क्या? यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिएट हुआ है कुछ। तो इसलिए अगर मैं विंडोज एंटी क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे उसका ट्रू बताता है और करंट सिलेक्शन वो बताएगा जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये एक बन गया है रेडियो बटन। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। चेतना कुछ डाउट वगैरह है पूछो? नहीं है, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया चेकबॉक्स। अब देखते हैं चॉइस। चॉइस ठीक है, सो चॉइस मतलब एट अ टाइम हम लोग को सिलेक्ट करते हैं। ये देखो, ये यहाँ से एक सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक आया, यहाँ से एक सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक आया, ठीक है। चॉइस मतलब एट अ टाइम आप लोग एक सिलेक्शन करते हो। इसका लेआउट भी कैसा है? फ्लो लेआउट ही है, खाली वो जो लिखा हुआ मैटर है उसको फिक्स किया है, बट कंपोनेंट को फिक्स नहीं किया। कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट में है, ठीक है। तो ये एक है, तो इसमें देखते हैं अभी। देख, इसमें हाँ क्लास लिया चॉइस डेमो नाम का, एक्सटेंड किया एप्लेट को, उसने आइटम लिजनर ले लिया, ठीक है। उसके बाद चॉइस नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है, उसके थ्रू ही वो कंपोनेंट क्रिएट होता है, ठीक है। चॉइस नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है, उसके थ्रू ही वो कंपोनेंट क्रिएट होगा। तो चॉइस के दो ऑब्जेक्ट ले लिए, ओएस और ब्राउजर। मैसेज में स्ट्रिंग ब्लैंक लिया इनिट, चॉइस के कंस्ट्रक्टर बना लिए, ओएस का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ब्राउजर का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अब चॉइस में बहुत सारे ऑप्शंस भी होने चाहिए ना, तो ओएस में कुछ ऑप्शन डाल दिए और कुछ ऑप्शन डाले हम लोगों ने ब्राउजर पे। ओएस पे हम लोगों ने ये चार ऑप्शन डाल दिए, ठीक है, और ब्राउजर पे भी हम लोगों ने ऑप्शन डाल दिए, ठीक है। मतलब कि वो जो लिस्ट आती है उसमें ये सारे ऑप्शन आएंगे, मैक ओएस, विंडोज, नेटस्केप 3.x, ठीक है, ये सारे ऑप्शन उसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये होने के बाद अब इतना तो कर लिया, ओएस और ब्राउजर के डेटा हम लोग डाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ओएस ने सिलेक्टेड मैक ओएस बता दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट पहला सिलेक्टेड होना चाहिए। ब्राउजर में भी एक सिलेक्टेड दिखा दिया, नेटस्केप 4.x, ठीक है, ये हो गया। अब होने के बाद सब कुछ तो हमारे पास है, बट इसको ऐड करना भी ज़रूरी है,
तो उसको हम लोगों ने एप्लेट विंडो के ऊपर ऐड कर दिया, ऐड ओएस और ऐड ब्राउजर। अब ये होने के बाद दोनों के ऊपर आइटम लेजर भी लगाना ज़रूरी है, तो ओएस पे आइटम लेजर लगा दिया, ब्राउजर पे आइटम लेजर लगा दिया। आइटम लेजर है तो आइटम स्टेट चेंज रहता है, ये भी कर दिया और रिपेंट लगा दिया। ये होने के बाद पेंट मेथड आएगी। पेंट मेथड में पहले ऐसा कुछ लिख के आएगा करंट ओएस, उसके बाद यहाँ पे मैसेज में हम लोगों ने और एक ऐड कर दिया कि ओएस से जो भी आप सिलेक्टेड करोगे, ओएस इज अ चॉइस, ठीक है, ओएस से जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट कहाँ से आएगा, गेट सिलेक्टेड आइटम प्री डिफाइंड मेथड, उससे आप जो भी सिलेक्ट करोगे इस मैसेज के साथ वो प्रिंट हो जाएगा। और मैसेज के साथ जब प्रिंट होगा तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्रिंट होगा। उसके बाद सेकेंड वाला भी है करंट ब्राउजर, वो मैसेज के साथ क्या प्रिंट करना है, ब्राउजर से आप जो सिलेक्ट करोगे गेट सिलेक्टेड आइटम से, तो वो जो भी आएगा वो मैसेज के साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रिंट होगा। तो इसीलिए जब हम लोग रन कर रहे हैं तो देखो बाय डिफॉल्ट मैक ओएस हम लोगों ने बोला था और यहाँ पे नेटस्केप 4.x बोला था, ठीक है। यहाँ से करंट सिलेक्शन भी उसका वही बता रहा है और यहाँ पे भी वही बता रहा है। बट अगर मैं यहाँ से विंडो एंटी करती हूँ तो यहाँ पे विंडो एंटी आ गया, और यहाँ से नेटस्केप 3.x करती हूँ तो यहाँ पे 3.x आ गया। क्लियर? चॉइस मतलब एट ए टाइम एक सिलेक्ट करना, चॉइस बहुत सारी होती है तो उसमें से लिस्टिंग में से एक सिलेक्ट करना। समझा क्या? यस और नो? तीनों को हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चॉइस हो गया, चॉइस में तो एट अ टाइम एक ही सिलेक्शन बता रहा है लिस्ट में से, एक होता है लिस्ट, वो भी रन करके बता देती पहले। ये देखो, ये भी फ्लो लेआउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये सिलेक्ट किया, ये एक सिलेक्ट किया, ये एक सिलेक्ट किया, उसमें से दो तीन सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। बट यहाँ पे आया नहीं है, जैसे मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो प्रिंट हुआ है। आप लोग यहाँ पे बटन देख के भी कर सकते हो, मैंने कीबोर्ड की बटन प्रेस की है इसलिए वो वैसा आया है। आप यहाँ पे अगर बटन दोगे तो उस बटन के क्लिक पे वो भी आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे लिस्ट में क्या हुआ है कि जितने आप आइटम सिलेक्ट करते हो उतने वहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। और इसके पहले केस में क्या था, चॉइस में चॉइस तो बहुत सारी थी लिस्टिंग फॉर्मेट में, बट उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। समझा? यस और नो? समझा? चॉइस में लिस्ट फॉर्मेट में होता है बट उससे एक सिलेक्शन होता है, और वही लिस्ट में आप मल्टीपल लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जब कुछ सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कीबोर्ड की एंटर बटन प्रेस करनी पड़ेगी, तब जाके वो आएगा, ठीक है, या यहाँ पे एक बटन लेके भी कर सकते हो। तो अब देखो, अब मुझे बताओ लिस्नर कौन सा लगेगा, ये जो प्रोग्राम है इसमें लिस्नर्स कौन सा लगेगा, कौन सा लिस्नर हम लोग यूज करेंगे, बोलो, आइटम लिस्नर या एक्शन लिस्नर, अच्छे से सोच के बताना और जल्दी बोलो, आइटम लिस्नर या एक्शन लिस्नर, बोलो जल्दी, आइटम या एक्शन, यस एक्शन लिस्नर। कौन सा लिस्नर यूज करेंगे हम लोग, एक्शन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ परफॉर्म हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन लिस्नर का यूज कर रहे हैं। और
वहीं पे अगर रिजल्ट दिखाना है कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद, तो फिर हम लोग आइटम लिस्टनर यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों ने कीबोर्ड की बटन प्रेस की तब जाके आंसर आया, तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आइटम सॉरी एक्शन लिस्टनर, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे क्लास बनाया लिस्ट डेमो, एप्लेट एक्शन लिस्टनर लगा दिया, ठीक है। बटन नहीं है बट कीबोर्ड के बटन से प्रेस किया तो एक्शन लिस्टनर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट नाम का प्री डिफाइंड क्लास लिया, उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए ओएस एंड ब्राउजर, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, इनिट मेथड के अंदर ओएस और ब्राउजर के कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, यहाँ पे फोर ट्रू। इसका मीनिंग ये होता है कि जो लिस्टिंग आएगी वो एटलीस्ट फोर तो भी कंटेंट दिखने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, मतलब दिखने चाहिए, ठीक है। बट अगर आप उस कंपोनेंट पे चार ही डाल रहे हो तो एट अ टाइम चार ही दिखेंगे, बट अगर आपने उसमें 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ डाल दे वो, और आप बोल रहे हो कि वहाँ पे 4 दिखने चाहिए, तो वो 4 नहीं दिखेंगे, वो 3 दिखेंगे। देख कैसा, ओएस में 4 है तो चारों के चारों यहाँ पे दिखेंगे, वो शो होंगे लिस्टिंग में, ठीक है। बट वही ब्राउजर में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और हम लोगों ने ऊपर कितना बोला है 4 दिखने चाहिए, तो 4 नहीं दिखते हैं। ज़्यादा है तो लिखा हुआ जो रहता है 4 या 5 उसे कम दिखता है, मतलब यहाँ पे 4 लिखा है तो कितने दिखेंगे, 3 ही दिखेंगे, बाकी के स्क्रोल डाउन में आ जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली स्क्रोल बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों कंपोनेंट को ऐड करना है विंडोज के ऊपर, तो वो ऐड कर लिया। दोनों के ऊपर एक्शन लिस्टनर लगा दिया, वो लगा दिया हम लोगों ने। एक्शन लिस्टनर है तो एक्शन परफॉर्म आएगी, उसमें रिपेंट मतलब बार बार हम लोग चेंज कर रहे हैं इसमें रिपेंट मेथड आएगी। उसके बाद अब जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एरे लगेगा। तो दो एरे बना लिए, एक ब्राउजर के लिए बना लिया, एक बना लिया हम लोगों ने ओएस के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, पहले एक मैसेज प्रिंट होगा करंट ओएस करके, ओएस में जो भी आप सिलेक्ट करते हो, गेट सिलेक्टेड इंडेक्सेस। व्हाट, गेट सिलेक्टेड इंडेक्सेस मतलब क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट नंबर का सिलेक्ट किया, थर्ड का किया और फिफ्थ का किया, तो इसके जो इंडेक्स नंबर होंगे, मतलब 0, 2, 5 ऐसे जो भी उसके इंडेक्स नंबर होंगे, वो इंडेक्स नंबर किस में जाएंगे, इस वेरिएबल में जाएंगे, और उस वेरिएबल की लेंथ काउंट करेंगे। एरे है तो लूप चलेगा, उस वेरिएबल की लेंथ काउंट करेगा, और ओएस में गेट आइटम करके जो वेरिएबल हम लोगों ने सिलेक्ट किया, जैसे हमने 0 पोजीशन का किया है, वो मैसेज में जाके प्रिंट करेगा, मैंने सपोज 2 पोजीशन का किया है तो मैसेज में जाके प्रिंट करेगा, मैंने 5 पोजीशन का किया तो मैसेज में जाके वो प्रिंट करेगा। इसीलिए जब एक से ज़्यादा हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसके लिए एरे लगेगा, उस एरे के इंडेक्स नंबर लेगा, उस इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम रहेगा उसको वो एक एक करके प्रिंट करेगा, तो इसलिए ये लगाया। उसके बाद सेम ब्राउज़र के लिए भी वैसे ही होगा, करंट ब्राउज़र लिख के आएगा, करंट ब्राउज़र में जो इंडेक्सेस है उसको स्कैन करेगा, इस वेरिएबल में डाल देगा, उस वेरिएबल की लेंथ चेक करेगा, जो ब्राउज़र से इंडेक्सेस हम लोगों ने लिए है, सपोज मैंने 0, 1 और 3 कर दिया होगा, तो वो सारे स्ट्रिंग्स जो भी रह गए वो मैसेज में आएंगे, और मैसेज को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। इसीलिए जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये 4 थे तो 4 ऑटोमेटिकली आ गए, बट इसमें 6 थे तो 6 में से मैंने बोला था 4 प्रिंट करो, बट इसने 4 किए क्या, नहीं, इसने कितना प्रिंट किया, 3, और बाकी के कहाँ पे है, स्क्रोल बार में, ये देखो, ठीक है।
अब यहाँ से मैं दो सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से ये दो सिलेक्ट करती हूँ, तो इसके इंडेक्स नंबर लेगा और जैसे मैं एंटर करूंगी उसको वो कर देगा प्रिंट। क्लियर? यस और नो? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है सबको? गौरव, चेतना, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद का जो सेशन है वो हम लोग कल देखेंगे, उसमें फिर आप लोगों को कुछ एनोनिमस इनर क्लास है वो मैं बताऊंगी। ओके okay?